जी दारचा बैरियर, और ये जी शिंकुला पास, जब आप क्रॉस करके पादम जाओगे तब भी बर्फ़ मिलने वाली है आपको मई में। जून तक तो काफ़ी नीचे डाउन आ जाएगी। ये देखो कितनी फिट है स्कॉर्पियो, देखो क्या हाइट होगी, इमेजिन कर लो। और ऊपर देखो, ये देखो जी ट्रैवलर फंस रखा है, पूरा कीचड़ है शिंकुला पास के, जब आप क्रॉस करके जाओगे पादम की तरफ। हाँ जी, मिल गई जी परमिशन। क्या बात है जी, होगी एंट्री हमारी जी, दारचा बैरियर क्रॉस हो चुका है। कीचड़ में सांप, ये देखो जी ऐसे जा रही है, सांप बनती है गाड़ियाँ। ये देखो जी गाड़ियाँ फिसलना स्टार्ट हो गई है आगे। तो जी फाइनली हमारा दारचा बैरियर क्रॉस हो गया है। परमिशन भी ले रखी थी हमने कल SDM ऑफिस में जाकर, बट अदरवाइज भी अगर आप लोकल 4x4 से जा रहे हैं तो आपको जाने देंगे। डिपेंड्स ऑन वेदर और क्या सिचुएशन है वहाँ पे, अभी फिलहाल वैसे जाने दे रहे हैं। हाँ जी, गोइंग टू पादम फाइनली। थैंक्स टू अज्जू भाई, आपने बहुत एफर्ट दिया यार हमारे साथ, थैंक यू सो मच। आपके एफर्ट हमेशा याद रहेंगे, हमारी बाइक्स पीछे आपके एफर्ट और ये वादियाँ, वाह यार। सो अज्जू भैया हमें छोड़ेंगे पादम से हम बाइक्स उठा के आज ही हम लेह पहुँच जाएंगे। हमारे पिछले 2 दिन एक्चुअली ख़राब हो चुके हैं दारचा पोस्ट में ही, आपने देखा होगा। तो अब वो 2 दिन कवर अप करने हैं हमने, और लगता है 500 से 600 किलोमीटर बाइक चलने वाली लद्दाख में माइट भी, देखते हैं क्या प्लान बनता है। ये देखिए गाइस कितनी सुंदरता है यार हमारे हिंदुस्तान में, देखो लोग फौरन क्यों जाते हैं यार, कितना सुंदर है। अभी शिंकुला पास यहाँ से 25 किलोमीटर रहता है अभी, और ये स्ट्रगल थोड़ा स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो बर्फ जम रखी है पानी में, जो पिछले 3-4 दिन का स्ट्रगल था ना वो एक्चुअली वर्थ इट है यार इस व्यू के सामने। लुक एट दिस व्यू, आ गई बर्फानी सड़क, सड़क पे पानी है पिघला और थोड़ा जमा भी हुआ है। बर्फ की दीवारें हो गई है जी स्टार्ट। लो जी पहुंच चुके हैं हम शिंकुला पास, थोड़ा सा बस टॉप पॉइंट जो है आगे रह रहा है, और नीचे और मेरे पीछे स्नो देखो यार, कितनी जबरदस्त स्नो है। तो जी कुछ फोटोग्राफी तो कर ली हमने, शिंकुला पास बस पहुंचने वाले हैं। अभी 12 किलोमीटर रहता है अभी, है ना, तो यहाँ पर आंखों तो चश्मा डालना बहुत ज़रूरी है, और सांस भी थोड़ा थोड़ा फूलना लग जाता है अगर थोड़ी एक्टिविटी करिए जैसे अपने ऊपर नीचे। शिंकुला टॉप रह गए जी 5 किलोमीटर, और यहाँ देखो रोड कंडीशन, दैट्स वाई यू नीड 4x4 और हैंड स्किड चेन, बट एक्सपीरियंस तो चाहिए ही चाहिए। ये देखो जी गाड़ियाँ फिसलना स्टार्ट हो गई है आगे। ये देखो शिंकुला टॉप में, अभी हम भी काफ़ी दूर खड़े हैं, जूम करके दिखा रहा था आपको। ये लो जी धक्के लग रहे इनोवा को, इनोवा फंस गई इनोवा आएगी पीछे। ये देखो जी पत्थर गिरी जा रहे हैं कहीं ना कुछ, और यहाँ पे अभी इनोवा फंस गई थी इस पैच पे। देखो सड़क पे आइस काफ़ी है, तो इनर्फ के नज़ारे लो तगड़े वाले, 10-10 फुट वॉल बर्फ की। Insta360 के शॉट एंजॉय करो आप म्यूजिक के साथ। अब तक
ये देख रहे बर्फ कितनी जमी हुई है। अभी हम बीआरओ के लेवर के साथ में फाइटिंग वाइटिंग खेल रहा था। ये पिक्स देखना, तो ये गाड़ी हमारी फंसी हुई है शिंकुला पास में, आगे स्लिपरी है थोड़ा, वही जाके दिखाता हूँ। ये जी शिंकुला टॉप तकरीबन 16,000 फीट में। अभी आगे ट्रैफिक जाम लग गया है तो हम खड़े हैं, काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी है लाइन लगा के, तकरीबन 40-45 गाड़ियाँ मिनिमम होगी। तब तक फोटोग्राफी कर रहे हैं जी। मौसम आज हमारे फेवर में है, धूप निकल रखा है और नज़ारे बहुत ज़बरदस्त है। जी बोरो प्लस लगानी पड़ती है, यहाँ पे सफेद हो गया मुंह हमारे सबके। बोरो प्लस की गहरी दोस्ती है, बार बार लगाते रहो से पास में अपना स्किन फट जाती है, जलना स्टार्ट हो जाती है। ये देखो जी 10 फीट वॉल, 10 क्या मैं कहता हूँ 12-15 हो रही है। ये नीचे सुनो है, लो जी पदम रह गया 104 और हम है जी शिंकुला पास पे, शिंकुला टॉप पहुँच चुके हैं हम लगभग 16,000 फीट। वो देखिए सामने, ये जी पहुंच चुके हम शिंकुला पास 16,000 फीट। ये देखिए शिंकुला पास ऊपर से बिल्कुल टॉप में, अभी हम बोर्ड यार फोटो खिंचाते हैं, बढ़ते आगे। ये देखो जी शिंकुला टॉप बोर्ड लगा रखा है। नाउ गोइंग टू पदम, और रास्ते में अभी 2 वाटर क्रॉसिंग आई हैं खतरनाक, है ना, उनको दिखाते हैं फुल ऑन एडवेंचर। ये जी शिंकुला पास, जब आप क्रॉस करके पदम जाओगे तब भी बर्फ़ मिलने वाली है आपको मई में, जून तक तो काफ़ी नीचे डाउन आ जाएगी। ये देखो कितनी फीट है स्कॉर्पियो, देखो क्या हाइट हुई, इमेजिन कर लो, और ऊपर देखो जो है गाड़ियाँ फंस रही है, झटके लग रहे हैं क्योंकि यहाँ चाहिए आपको हाई ग्राउंड क्लियरेंस। पत्थर देखो कितने, ये देखो कितने खतरनाक हालत है। ओए होए यहाँ तो झटके लगने ही है, और यहाँ अगर गाड़ी का एक्सल टूटा या कुछ माल वाल पलटा तो आपको, आप सबको जाम कर दोगे और खुद को भी। आया मजा। खा रहा झटके। अब यहाँ चल रहा है जी सांप, सांप बन रहा है इस कीचड़ में। पौना फुट कीचड़ है कम से कम, पौना फुट तो घूमियो तो कीचड़ देख लो भाई, तगड़ा कीचड़ है, एक फीट बढ़ गया। आप तो टाइम तो बड़ा बहुत मुश्किल है, अभी तो वेट है गाड़ी में। ये देखो सांप, ये देखो जी ऐसे जा रही है, सांप बनती है गाड़ियां। भाई साहब पूरी जन्नत है यार, जो मर्जी कह लो, स्ट्रगल इज रियल बट ब्यूटी इज ऑल्सो रियल। ये व्यू देखो यार, जून में देखो आओगे रास्ता भले क्लियर मिले बट ऐसी स्नो नहीं देखने को मिलेगी। इसके नज़ारे तो हम ले रहे हैं और हमारे थ्रू वर्चुअली आप एंजॉय कीजिए आज। ये देखो जी ट्रैवलर फंस रखा है, पूरा कीचड़ है शिंकुला पास के, जब आप क्रॉस करके जाओगे पादम की तरफ लग रहे हैं जी धक्के लोगों को, सांस बहुत फूलता है। बट यहाँ देखो अल्टो खड़ी है, लॉर्ड किंग यार, अल्टो इज एवरीवेयर। बाकी सारी 4x4 है, ये सब सभी हाई ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ियाँ हैं, बट यहाँ खड़ी है जी अल्टो, लॉर्ड अल्टो, नॉट जस्ट अल्टो।
लो जी पत्थर भरे जाएंगे इस गड्ढों में। गड्ढा देखो कितना बड़ा है, यहाँ फंस गया था ट्रैवलर, धक्का दे के निकालना इसको, जूते पूरे हो गए अपने। खींच के निकलेगी, खींच के ये देखो। चलो जी चलो, ये देखो जी कैसा जा रहा है, कैंची बनता हुआ। जबरदस्त घुमा फिरा के निकाल दिए, एक्सपीरियंस बंदे। लो जी शिंकुला के पास हो चुका है क्रॉस, अभी हमें प्लेन एरिया में लाहौल, जो काजा से जब आप मनाली आते वैसी वाली सड़क स्टार्ट होगी, बताल वाली पथरीली, ये जंस्कार वैली का मज़ा है अभी, रॉ ब्यूटी। ये है जी पूरे पथरीले रास्ते जब आप शिंकुला पास क्रॉस कर लोगे। लुक एट दिस ब्यूटीफुल माउंटेन। ये लो जी मेरे पीछे देख लीजिए कोम्बुरंगन पहाड़, द मोस्ट सेक्रेड, जो इस रीजन का काफ़ी मान्यता जुड़ी है यहाँ पे बहुत धर्म की। माउंटेन इज एक्चुअली सेक्रेड और इतना बढ़िया है, जैसे पैरामिड फॉर्म में होता है ना, वैसे फॉर्म में आप देख सकते हो। अगला स्टॉप अपना जी पदम, तो बस छोटो छोट चलेगी वो गाड़ी। फाइनली जी पक्की सड़क मिल गई है, जगह नाम ये नहीं पता कहाँ से कहाँ है, कहाँ शुरू है, कुछ नहीं, कोई साइन बोर्ड नहीं है, कोई जीपीएस नहीं चलता है, लोगों को दिन नाम पता, बुरा हाल है भाई। जंस्कार एकदम अभी रॉ है बिल्कुल, ना कुछ खाने को मिलेगा या ना कोई पानी है ना कोई साइट सीइंग है, बुरे पहाड़ है सिर्फ, पीछे बस गोंजोरंगन जो माउंटेन था वही देखने लायक है, उसके अलावा तो वन ऑफ द डेंजर रोड अब तक की। ये देखो जी डेंजर रोड, हल्की सी गलती और आप 1000 फीट नीचे और कोई देख भी नहीं पाएगा कहाँ निकालेगा। ये देखो जी नीली नदी, और नीली नदी मत देखना, देखो सड़क सड़क का ध्यान रखना जरूरी है यहाँ पे, एक गलती और मेरे को ऐसे रोड चलाना बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है, अकेले चलाया करो अकेले नहीं, अकेले तो बहुत फटते हैं हम। नीचे देखो सुंदर नीली नदी कितनी प्यारी, मैं भी देखूं। यहाँ से रह गया जी पादम 22 किलोमीटर और सड़क हो गई है ठीक, मेडल रोड है बढ़िया, नज़ारे फुल। सोहन जी पहुँच गए हैं पादम और गाड़ी से बाइक्स कर रहे हैं अनलोड, टाइम है लगभग 5 और यहाँ से ले है जी बाय निमो 280 किलोमीटर, तो आज लगता हमें यही स्टे करना पड़ेगा। ये लो जी हो गई हमारी बाइक्स अनलोड। हाँ जी तो अपने होटल ले लिया है जी, क्या नाम है, पोटाला जंस्कार, नाम थोड़ा भी पंजाबी सानू पटोला आंदा है। तो अज्जू भाई ने हमें ड्रॉप कर दी यहाँ पे, बाइक्स हमने अनलोड कर ली थी और अब हम कर रहे हैं टाटा बाय बाय, मिलेंगे इनसे नेक्स्ट सीजन में। अज्जू भाई थैंक्स फॉर एवरीथिंग, बहुत मजा आया, पिछले 2 रातों से हमारे साथ ही थे, मतलब तीसरा दिन है, तो मतलब एक अच्छा बॉन्डिंग डेवलप हो गई है, बहुत मजा आया इनके साथ बातचीत करके, थैंक्स भाई, ये भी थैंक्स, हैप्पी जर्नी। और चमन भाई को भी थैंक्स बोलना और अपने प्रेम जी जो है उनके, उनको भी बिल्कुल करते रहना सर, बिल्कुल सर।